हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज क्वेश्चन हब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की कुछ ये सीरीज़ शुरू की हुई है। तो ये जो मैं फैक्ट्स जो भी बता रहा हूँ, तो ये सारे एग्ज़ाम, सारे एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, है ना, एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। उसमें जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा, ये सारे फैक्ट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके परीक्षा में काफ़ी बार पूछते हैं। हम इसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बस वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये एक नंबर हमको मुफ्त में हमको मिल जाए अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। मैंने ये भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, तो इनके ये लगभग 30-35 होंगे, इनके बारे में आप सुन लीजिए। इनसे आपका एक क्वेश्चन तो बनना ही है, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इनका पूछता ही है। ठीक है, पहला शुरू करते हैं हम। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, कोलकाता को कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अहमदाबाद को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर, है ना, गुलाबी नगर कैसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। ठीक है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, उसकी वीडियोज़ मैं आपको डालूंगा। ठीक है, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। ठीक है, भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पूर्व का वेनिस जयपुर को कहते हैं। सॉल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं। मलय का देश कर्नाटक को कहते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी है। ठीक है, काली नदी शारदा, ठीक है, काली नदी के नाम से किसको बोलते हैं, तो शारदा नदी को जो है तो काली नदी बोला जाता है। ब्लू माउंटेन, तो नीलगिरी पहाड़ियों को जो है तो ब्लू माउंटेन बोला जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। 3 राजधानियां विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, मैंने बताया था आपको। ठीक है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। ठीक है, काशी की बहन गाजीपुर यूपी में है। ठीक है, गाजीपुर हिंडन एयरवेज वहीं पे है, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भी वहीं पे है। काशी की बहन गाजीपुर कहते हैं। लीची नगर देहरादून को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। ठीक है, कर लेंगे आप। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरै को कहते हैं। मदुरै, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, अमृतसर को कहते हैं। महलों का शहर किसको कहते हैं, तो कोलकाता को कहते हैं। नवाबों का शहर बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। रैलियों का नगर नई दिल्ली, हमेशा रैलियां ही होती रहती हैं वहाँ, कहीं जंतर मंतर पे, कहीं वहाँ, कहीं इसके लिए स्ट्राइक, कहीं उसके लिए स्ट्राइक, कहीं बैंक वाले धरने में बैठेंगे, कहीं पोस्ट ऑफिस वाले धरने में बैठेंगे, कहीं टीचर धरने में बैठेंगे, क्योंकि वहीं पे मतलब सारी ऑफिसें वहीं पे है, तो वहीं पे लोग जाके इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन अपना करते हैं। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, भारत का वोस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का वोस्टन अहमदाबाद को। गोल्डन सिटी अमृतसर को। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को। पवित्र नदी गंगा को। बिहार का सो कोसी नदी,
ठीक है, बिहार जो है घना बसा हुआ है और नदी जब पानी उसमें नदी में जब ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पे घरों में पानी घुसा मतलब बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, लोग दुखी होते हैं, इसलिए बिहार का शोक बोला गया है। ठीक है, कोसी नदी को वृद्ध गंगा, गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है ये गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, कोट्टायन की दादी मलयाला को कहा जाता है, जुड़वा नगर बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछ चुका है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जुड़वा नगर सिकंदराबाद और होशंगाबाद, होशंगाबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। ठीक है, ताला नगरी अलीगढ़, अलीगढ़ वाला है ना वो गाना एक कोई सा है वैसा ही है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं, पेठा नगरी पेठा आगरे का पेठा सुना है ना तो आगरा, भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, वन नगरी किसको देहरादून को कहते हैं, ठीक है देहरादून उत्तराखंड, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं और कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। ये है एक छोटी सी पहल आपके लिए, भारत इंपॉर्टेंट फैक्ट से, ये परीक्षा में एक नंबर आपको मुफ्त में मिलेगा, केवल सुनने मात्र से ही ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। धन्यवाद, ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक करें सब्सक्राइब करें।